रांची के हर वो मैदान में मंगलवार को बीजेपी का चौथा क्लस्टर सम्मेलन फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ संपन्न हुआ। रांची, हजारीबाग और खूंटी लोकसभा क्षेत्र के शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी नेताओं ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। शुरुआत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने की। अर्जुन मुंडा ने कहा कि लंबे समय तक विपक्ष ने सत्ता संभाला, पर उनके द्वारा कभी देश को संभालने की कोशिश नहीं हुई, देश को जोड़े रखने का प्रयास कभी नहीं हुआ। आज फिर एक बार नाकाम कोशिश हो रही है, पर बीजेपी के कार्यकर्ता राजनीति के वैज्ञानिक से कम नहीं। समग्र रूप से जानने का दृष्टिकोण नहीं है, वह सिर्फ कई ऐसे संगठनों को मिलाकर के एक जगह जोड़ने का और फिर एक जोड़ करके फिर हटने का, यानी उसका नीति बिल्कुल देश के हित में नहीं है, उसकी नीति जनता के हित में नहीं है, उनके नीति भारत की जो परंपरा उसके हित में नहीं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने संबोधन की शुरुआत झारखंड के साथ उनके लगाव और प्रेम से की। आगे उन्होंने कहा कि दोनों ही राज्य जुड़वा भाई की तरह हैं। रमन सिंह इस दौरान रघुवर दास सरकार के विकास कार्यों से भी काफी प्रभावित दिखे। उन्होंने कुछ योजनाओं का जिक्र करते हुए मंच से कहा कि इनमें कुछ योजनाओं को वो अपना लेते तो वो चौथी बार मुख्यमंत्री होते। रमन सिंह भी ममता बनर्जी से लेकर चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहे। जिस प्रकार झारखंड में आप सबने इस सरकार को काम करते देखा, मैं विकास जब देखता हूं तो मुझे खुशी होती है। छत्तीसगढ़ और झारखंड का विकास, और झारखंड ने जिस 5 साल में तेजी के साथ विकास किया, जिस तेजी के साथ झारखंड ने आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, झारखंड के मैं जीडीपी को देख रहा था, मुझे इस बात की खुशी होती है कि जिस झारखंड को पिछड़ा रहा झारखंड कहा जाता था, जिसे पलायन करने वाला कहा जा सकता था, आज हिंदुस्तान के दूसरे नंबर में जीडीपी का ग्रोथ जिस राज्य में है उसका नाम झारखंड है। झारखंड में आता हूँ, झारखंड में आया हूँ, तो निश्चित रूप से मुझे इस बात की खुशी होती है कि इस राज्य को एक अच्छा नेतृत्व मिला। शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता सम्मेलन में जोश उस वक्त देखने को मिला जब मुख्यमंत्री रघुवर दास विपक्ष पर हमलावर हुए। रघुवर दास ने कोयला मंत्री रहते हुए शिबू सोरेन के साथ घटनाक्रम चिरूडी कांड में बाबूलाल मरांडी की भूमिका का जिक्र करते हुए मौजूदा गठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन करार दिया। रघुवर दास यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने सोहराय भवन से लेकर साहिबगंज में आलिशान भवन के बहाने भी हेमंत सोरेन को निशाने पर लिया। एक तरफ जो गठबंधन हमारा है वो विकास की राजनीति में विश्वास करती है, दूसरा जो गठबंधन स्वार्थी लोग का गठबंधन जो बन रहे हैं वो लूट के लिए गठबंधन, वो भ्रष्टाचार के लिए गठबंधन, वो देश और राज्य में कुशासन के लिए गठबंधन। और इसलिए अगर झारखंड के पैमाने कोई देखे या देश की राजनीति को अगर हम देखें, ये गठबंधन सरकार का इतिहास, तो देश में भी कभी 12वीं मास का सरकार बनती थी और राज्य में हम देखें 6 माह का सरकार बनती थी, ये गठबंधन सरकार का इतिहास। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने को लेकर बीजेपी ने अब की बार 100 के पार का नारा दिया। इस नारे को हकीकत में बदलने के लिए एक एक सीट बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर झारखंड के लिए तब और भी जब 14 में से 12 सीट बीजेपी की झोली में हो और क्लीन स्वीप का नारा खुद बीजेपी के लिए चुनौती। रांची से न्यूज 11 के लिए कैमरामैन अरविंद के साथ अविनाश कुमार।